जेल हो चुकी इसी सेक्सुअल हरासमेंट के केस में, लेकिन हमारे में एक एमपी को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया, उसको अभी तक उससे पूछताछ तक नहीं की गई है। वो हर तरीके से उनके आईटी सेल खिलाड़ियों को बुला बराबर थाने के लिए लगी हुई है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज के माध्यम से वो बोल रहे हैं, अगर आपकी बहन बेटियां होती तो आप ये सवाल करते? इसको कभी जाति का रूप दे रहे हो आप, कभी कभी राजनीति मुद्दा बना रहे हो, कभी इसमें स्टेट का बोल रहे हो कि ये स्टेट है, ये स्टेट है। पूरा भारत आज बेटियों के साथ खड़ा है। बस कुछ न्यूज चैनल हैं जो इसको दिखाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट कर रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि सच्चाई को आप छुपा सकते, दबा नहीं सकते। सच्चाई वो थोड़े दिन बाद लकड़ के आएगी, तो जरूर इस चीज में न्याय मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है, वो बोलते भगवान के घर में देर हो सकती है या अंधेर नहीं है। पूरे देशवासियों से एक अपील है, कल हमारी जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसान संगठन है, महिला संगठन है या खिलाड़ी हैं, तो कल ब्लैक पट्टी बांध के हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय के खिलाफ में। तो आप सब से अनुरोध है कि आप भी प्लीज हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। तो कल हम सब ब्लैक पट्टी बांध के और अपना विरोध जताएंगे। और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करें, हमें टैग कर दीजिए उसको, काली पट्टी को बांध के। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक। 12 मई को आपकी हियरिंग भी है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद सही रास्ते पे जा रही है। देखिए, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि अभी भी हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी पूरा भरोसा था, हमें अपने देश की न्यायपालिका पे हमेशा भरोसा रहा है और आज भी भरोसा है, हमेशा भरोसा कायम रहेगा। तो जो भी आज कोर्ट से जो आया है आदेश, तो पुलिस से भी उन्होंने तलब किया है कि आपने क्या किया है, 2 दिन बाद में हियरिंग है। तो एक चल रहा है प्रोसेस लीगली जो कर पा रहे हैं, और बस एक न्याय की उम्मीद है, हमें विश्वास है अपनी न्यायपालिका पे, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और जो ब्लैक पट्टी का जो समर्थन, जो विरोध दिखाना चाहते हैं, वो सुबह 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग है, उसके बीच में आप इस चीज को हमारा मतलब हमारा समर्थन दे सकते हैं। देखिए, लोग आए हैं लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार हम आश्वासन लेके जा चुके हैं, हमें न्याय चाहिए, न्याय के लिए बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं होगा जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आश्वासन अब की बार हमारे लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश उस लड़ाई में खड़ा है और पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अभी अगर न्याय नहीं मिल पाया तो जो भारत की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको जिंदगी में कभी न्याय कोई आवाज नहीं उठा पाएगा।